नमस्कार, जायका विद संगी में आपका स्वागत है। आज बन रहा है आमरस और ढोकला, जो गुजरात की फेमस डिश है। ये जो कॉम्बिनेशन है उसे ट्राई करना तो बनता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरी चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मैं जो बेल आइकन है दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैंने यहाँ पे चावल और तुअर दाल को इक्वल प्रोपोर्शन में लेकर इसे दरदरा पीस लिया है। ये सूजी से थोड़ा मोटा पिसा लिया है। अगर आपके घर में घरघंटी है तो उसी में आप पीस ले या फिर बाहर पिसा ले। तो ये मैं 3 कप जितना ले रही हूँ। 2 कप ऑलरेडी मैंने इसमें डाल दिया है, ये तीसरा। तो ये चावल और तुअर दाल का दरदरा पिसा हुआ हमें आटा ले लेना है। उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप जितना दही, स्वादानुसार नमक। हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी मिला देंगे, थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, अभी भी ये बैटर काफ़ी गाढ़ा है, तो इसमें हम पानी और ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए, अब ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में हो गया है। तो हमें पानी तब तक डालना है जब तक हमें परफेक्ट कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती। इडली बैटर जैसा तैयार करके ले लेना है। अब इसे ढककर फर्मेंट होने देते हैं। ढोकले के साथ मैं आमरस सर्व करने वाली हूँ। तो मैं अब आमरस बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने केसर कैरी ली है, उसके ये छिलके जो है वो निकाल देंगे। ये केसर कैरी झाड़ पे ही पकी है, तो ये ऊपर से ये ग्रीन है लेकिन अंदर से ये आप देख सकते हो एकदम पक गई है। बिल्कुल भी खट्टापन इसमें नहीं है। तो इस तरह से मैं छिलके हटा दूंगी। आमरस को मैं हमेशा इस तरह कट करके ही बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभार ये ऊपर से तो पूरा बराबर रहता है, सही रहता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं दिखता है, लेकिन ये अंदर से ख़राब होता है कभी कभार। तो उसके लिए मैं इस तरह से कट करके ही यूज़ करती हूँ। तो ये रफली हमने कट्स दे दिए और इसको कट करके ले लेंगे। तो इसी प्रकार मैंने सभी आम को कट करके ले लिया है। तो अब इसे मैं मिक्सर जार में डालकर पीस लेती हूँ। आमरस तैयार है, मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। आप कोई भी आम यूज़ कर इस तरह रस बना सकते हैं। अगर आपको पल्प गाढ़ा लगे तो इसमें आप दूध मिला सकते हैं। दूध मिलाएंगे तो इसमें शक्कर मिलाना भी ज़रूरी हो जाता है। इसमें आप सूट पाउडर भी मिला सकते हैं, काले मिरी पाउडर, जीरा पाउडर, सभी का टेस्ट अलग होता है, तो उस अनुसार आप ये रस बना लें। मैंने एकदम इसे नेचुरल रखा है, इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है, सिर्फ इसका पल्प बना के ले लिया है। अब जो भी मसाले हम करेंगे वो ढोकले में करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मैं बता देती हूँ, मैंने इसमें ना दूध मिलाया है ना पानी, जो नेचुरल केसर का पल्प है वो ही है। अब ये जो फर्मेंटेशन के लिए हमने रखा था, तो 4.5 घंटे हो गए हैं, तो ये फर्मेंट हो गया है। गर्मी की सीज़न है इसलिए ये जल्दी फर्मेंट हो गया, नहीं तो ओवरनाइट या 10 से 12 घंटे के लिए आप इसे फर्मेंट होने दें। अब यहाँ पे मैं 1 इंच जितना अदरक और 3 से 4 हरी मिर्च लेकर इसे दरदरा पीस लिया है। आप इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 टेबलस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून अचार मसाला, ये ऑप्शनल है लेकिन मैं हमेशा इसमें यूज़ करती हूँ, 1/2 टेबलस्पून कुकिंग सोडा,
अब मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 टेबलस्पून जितना तेल गरम करके ले लिया है वो डाल देंगे हम इस पर। सोडा और मसालों पर ये हम तेल डाल देंगे और 1 टेबलस्पून जितना हम इसमें पानी डाल देंगे सोडा पर। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे। गर्मी की सीज़न है इसलिए बहुत ही जल्दी ये फर्मेंट होके तैयार हो गया है। ये देखिए इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर ले, हमने ऑलरेडी डाल दिया है इसमें नमक। देखिए बबल्स भी आपको दिख रहे होंगे, तो बहुत ही अच्छे से ये फर्मेंट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने ग्रीस की हुई थाली ली है, उसमें ये बैटर बराबर हिलाकर इसमें हम डाल देंगे। तो 4 से 5 लैडल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इस पर लाल मिर्ची पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। आप जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर काली मिर्ची पाउडर। अब स्टीमर में पानी डालकर उसे गर्म कर लिया है। अब उसमें ये प्लेट्स, हमने जो थाली तैयार की है वो डाल देंगे। और इसे ढककर हाई फ्लेम पर 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया एकदम राइज हो गया है, एकदम फूल गया है ये। अब इसमें हम एक नाइफ डाल के चेक कर लेते हैं, एकदम क्लियर ये निकला है, तो ये तैयार है। हम गैस बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब एक पैन में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून तेल ले लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून जितना राई के दाने डाल देंगे और 1 टेबलस्पून जितना तिल। अब जैसे ही राई चटकने लगती है हम गैस ऑफ कर देंगे और 15 से 20 कड़ी पत्ता डाल देंगे, ज़रा सा हल्दी पाउडर और ज़रा सा मिर्ची पाउडर, बस कलर के लिए। तो ये छौंक हमारा तैयार है। अब ये ढोकले हल्के से ठंडे हो गए हैं, हम इसमें कट्स दे देते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बना देंगे हम इसमें। अब इसमें हम स्प्रिंकल कर देंगे हरी धनिया और ये जो तड़का हमने बनाया है वो डाल देंगे। अच्छे से स्प्रेड कर दे। तो ये देखिए इसके पीसीस भी बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है और जालीदार भी। तो इसे सर्व कर देते हैं। तो चलिए ढोकले को आमरस के साथ सर्व कर लिया है। आप ढोकले बैटर में से चीला बनाकर भी आमरस के साथ सर्व कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।